सब्सक्राइब कीजिए अनविद आर के चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए। पुनीत। हाँ सर। अरे क्या हो गया, कैसा सुस्त बैठा है यार तू? सर बाइनेंस नहीं खुल रहा है, लगता है हैक हो गया क्या? सुबह से नहीं खुल रहा सर। बाइनेंस? हाँ सर। बाइनेंस नहीं खुल रहा? सुबह से नहीं खुल रहा सर, मैं कंटिन्यू ट्राई कर रहा हूँ सर। तुझे क्या लगता है हैक हो गया है क्या? सर हैक हो गया 90% मुझे लग रहा है, क्योंकि सुबह से नहीं खुल रहा सर। अरे चलो इसकी कोई खबर देते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग परेशान हैं। जी जी सर, देखिए जरा क्या है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविदार के में स्वागत है। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपको देश और दुनिया की ताजा खबरें, जो लोग बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये खबरें सुनना बहुत जरूरी है, और आज हम एक आपसे बहुत जरूरी भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की खबरों पर। दोस्तों नमस्कार, आपसे जो मैं बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूं वो ये है कि आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो 65,000 होने वाले हैं, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुक्रिया, आपको नमस्कार, जो मेरे वीडियो को आपने इतना पसंद किया। और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत जल्दी 65,000 को क्रॉस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए, तो आज उसका मैं क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं कि आपको पहले बता दूं कि मैं कोई बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का एजेंट नहीं हूं, और ना ही अपने किसी वीडियो में मैं प्रमोट करता हूं, आप लोगों को फोर्स करता हूं कि आप बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे जितने भी पिछले वीडियो हैं आप उनमें देखेंगे तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि क्रिप्टो करेंसी में और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है, और वही लोग बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें जिनके पास अपना फालतू का धन हो। ऐसे पैसे को इन्वेस्ट ना करें जो किसी से लोन लिया गया हो, किसी से उधार लिया गया हो, या ऐसा पैसा जो आपके अपने खर्चे के लिए हो। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं कोई एजेंट नहीं हूं, अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी की कीमत गिरती है तो वो मेरे हाथ में नहीं होती, और अगर उठती है तो वो भी मेरे हाथ में नहीं होती। मेरा काम केवल यहां आपको देश और दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट कराना है, जिससे आप अवेयर रहें कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि जब आप अपडेट रहेंगे आपको पता रहेगा कि कहाँ रिस्क चल रहा है, कहाँ नेगेटिव न्यूज चल रही है, कहाँ पॉजिटिव न्यूज चल रही है, जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मेरा पिछला वीडियो जो आपने मेरा चेहरा सुस्त देखा था, तो लोगों ने कॉमेंट किया कि सर क्या हुआ, आप सुस्त हो गए, बिटकॉइन गिर गए, हमें लूट लिया, कुछ लोगों के माँ बाप डंडा लेके आपको मारने के लिए घूम रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं ये मेरा सर्वाइकल का, मैंने आज ये पट्टा नहीं उतारा है, नहीं तो पट्टा उतार के ही मैं न्यूज देता हूं, और जब मैं पट्टा ये उतारता हूं तो मुझे पेन शुरू हो जाता है मेरे बाह में और गले में, जिससे मेरी जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो गायब हो जाती है। और शायद आप किसी लोगों को अगर सर्वाइकल का पेन किसी ने महसूस किया होगा तो उसको पता होगा कि ये बहुत भयंकर दर्द होता है और पूरी बाह में जाता है। आपका हंसना तो बहुत मुश्किल दूर की बात है, आपको बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बावजूद भी मैंने न्यूज बनाई, भले ही मेरे चेहरा सुस्त था, उतरा हुआ था, लेकिन इसलिए नहीं उतरा हुआ था कि बिटकॉइन की कीमतें डाउन हो रही थी। मैं आपको आज भी बताऊं कि मेरे जो बिटकॉइन में पैसे हैं इन्वेस्ट किए हुए वो बहुत ज्यादा है, आप लोगों के हो सकता है लाख, दो लाख, दस लाख लगे हों, जरा सा भी टेंशन नहीं है। और मैंने जो पैसे, और मैं आपको बताऊं आज हो गए हैं, मैंने वो बिटकॉइन बहुत कम कीमत में खरीदे, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, तो मैं कभी टेंशन नहीं लेता हूं। मैंने आपको बताया कि बहुत समय पहले खरीदे थे और बहुत समय पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो अभी कोई टेंशन की बात मुझे नहीं है, ना मैं टेंशन लेता हूं। और आपको मैं बताऊं कि मैं जब आपको बोल रहा हूं कि आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कीजिए बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में जो आपके पास फालतू है, जो आपको डूबने पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं पैसों को लगाइए, वही मैंने भी किया है। मैं उन्हीं पैसों को मैंने लगाया है जिसका मुझे कोई गम ना हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बिटकॉइन में पैसे लगाए या क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए तो ये सोच कर लगाए कि आपने वो पैसे कुएं में डाल दिए हैं।
और अगर ये नहीं सोचेंगे तो आप पागल हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपको और मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। तो हमेशा जब भी आप बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें तो ये सोच समझ के करें। तो देर नहीं करते, अभी मैं बहुत टाइम निकल गया इन बातों में, और आपको मैं सबसे पहली खबर बताता हूं बिनांस की तरफ से। और बिनांस की तरफ से खबर ये आ रही है कि बिनांस ने अपना 12 घंटे के लिए अपना जो ट्रेडिंग है प्लेटफॉर्म और ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है उसको होल्ड कर दिया गया है। कोई बिनांस जो है अभी हैक नहीं हुई है, उनकी तरफ से खबर आ रही है कि एक्चुअली बहुत सारे लोग उसमें रजिस्टर कर गए थे और उनका जो सर्वर था वो इतना कैपेबल नहीं था इतने लोगों को संभालने के लिए। तो बिनांस ने अभी चेंज कर रहे हैं अपना सर्वर, बड़ा सर्वर ले रहे हैं और वो बहुत जल्दी आपको 12 घंटे के बाद आपको सर्विस देना शुरू कर देंगे। अगली खबर लेते हैं इंडिया की तरफ से। दोस्तों इंडिया की खबर से, जैसे पिछले साल एक खबर आई थी लक्ष्मी क्वाइन के बारे में कि जी आरबीआई अपना एक क्वाइन लेके आना चाह रही है लक्ष्मी क्वाइन, और भी बहुत सारी बीच में रूमर उड़े थे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अभी न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है इस पर कोई तगड़ा कदम, मतलब नेगेटिव कदम उठाए, जो खबर आ रही है। और अभी पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि जो मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग है, जो हेड है इस टीम के, जो इस बिटकॉइन के बारे में चेक कर रहे हैं कि इसको क्या करना है, उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मार्च तक हम बिटकॉइन को कुछ ना कुछ डिसीजन लेकर उसको हम रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या टैक्सेस डालने हैं, किस तरीके से रेगुलेट करना है उसको वो करेंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से कि उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है हो सकता है क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दे। दोस्तों मेरा जो सोचना है मैं आपको बता दूं, मेरा ये सोचना है कि गवर्नमेंट अभी ना तो बैन लगाने के मूड में लगती है और ना ही इसको रेगुलेट करने के मूड में लगती है। जो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट अभी एज इट इज चलने देना चाहेगी इस सिनेरियो को, और जब तक चुनाव नहीं आ जाते 2019 में तब तक मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस पर कोई कदम उठाए, और अगर उठाए तो वो मैं कह नहीं सकता, ये मेरी थिंकिंग है। अगर आप इससे सहमत हैं तो नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपकी थिंकिंग क्या है। दोस्तों अगली खबर आ रही है यूरोपियन बैंकों की तरफ से, और आपको मैं बता दूं यूरोपियन जो बैंक है वो बहुत बरीड है, मतलब चिंता उनको बहुत सता रही है कि बिटकॉइन जिस तरीके से फैल रहा है उससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो जितनी भी बैंकें हैं वो थोड़ी चिंताग्रस्त हैं, यूरोपियन ही नहीं इंडियन बैंक भी इस तरीके की चिंताओं से घिरी हुई हैं, तभी वो बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करती, और जो बाहर की बैंकें हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं करती। एक मिस्टर थॉमसन ग्लुक्समैन है जो हेड है एपीसीए बिजनेस के डेवलपमेंट और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के, और उन्होंने ये दावा किया है कि 2018 दिसंबर में बिटकॉइन $50,000 को हिट करेगा, ये उनका कहना है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही ये $1 trillion का इसका मार्केट कैप हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लोगों की अलग अलग तरीके की खबरें आती हैं, अपने अलग अलग लोगों के विचार हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जीरो हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं ये $50,000 पर हो जाएगा या $1,00,000 पर हो जाएगा। मैं आपको केवल न्यूज देता हूं और कभी कभी बीच में अपनी जो विचारधारा है वो आपको देता रहता हूं। दोस्तों और आपको एक चीज बताऊं कि पिछले दिनों जैसे आपने देखा कि $6,000 तक डाउन हो गया था बिटकॉइन, और बिटकॉइन की कीमतें फिर आगे बढ़ गई हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर क्या करें, आपने मरवा दिया, आपके कहने पर हमने बिटकॉइन में डाला था, हम लूट गए। तो दोस्तों मैंने कभी नहीं बोला आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप मेरी बातों को सुनकर या मेरी न्यूज को सुनकर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें मेरी गलती नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको एक और कह दूं कि कुछ लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाता हूं सेम उसी तरीके से जैसे कोई अगर सेलिब्रिटी है, अगर वो उसके पास कोई प्रोडक्ट का बंदा उसके पास जाता है और कहता है जी मेरा ये प्रोडक्ट है इसको ऐड कर दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो वो ऐड करता है। तो यही सिस्टम मेरा भी है, अगर कोई कंपनी मेरे पास आती है कुछ ऑफर लेकर, अच्छा ऑफर लेकर, और अगर कहती है कि आप इसको ऐड करना है
तो दोस्तों जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें हमेशा पहले ये जरूर होता है कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है और उसमें लिखा होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपकी रिस्क पर है, आपकी बुद्धि पर है और अर्न विद आरके इसका कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपके नुकसान का या लाभ का। तो दोस्तों इसमें आप मुझे दोष मत दीजिएगा, मेरा भी अपना पेट है, मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी पैसों के लिए भी काम कर रहा हूँ, बिना पैसों के नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपके साथ कोई गलत काम कर रहा हूँ आपको बिना बताए कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद आपको किसी आईसीओ की बढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो गलत साबित होगा। लेकिन अगर मैं पहले लिख रहा हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये इसमें आपकी अपनी रिस्क है, तो इसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों आगे भी अगर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो आता है तो आप उसको उसी नजर से देखें कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है अर्न विद आरके चैनल पर और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगली खबर बहुत धांसू है और वो है एक स्टेट है अमेरिका में जिसका नाम है एरिजोना, और एरिजोना में जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो ये है कि वहां जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, वो आप बिटकॉइन में पे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि इंडिया के अंदर जब से क्रिप्टोकरेंसी का बूम आया है पिछले 6 महीनों में जॉब बहुत बढ़ गए हैं क्रिप्टोकरेंसी से और बिटकॉइन से रिलेटेड, और जो खबर आ रही है वो ये है कि करीबन 290% जॉब की तेजी बढ़ी है, मतलब परसेंटेज बढ़ी है जॉब, 290% लोगों की रिक्वायरमेंट है। कोई अपना आईसीओ खोल रहा है, कोई बिटकॉइन के लिए कंसल्टेंसी खोल रहा है, कोई क्लासेस खोल रहा है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में बढ़ रही हैं जिससे जॉब भी है जो बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर, बॉम्बे के अंदर, सब जगह। दोस्तों अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है और ये खबर आ रही है सीले टोकन की तरफ से। दोस्तों सीले टोकन की तरफ से हुआ ये है कि वहां जो लोगों ने फंड इन्वेस्ट किया था उनका $1.8 मिलियन का फंड चुरा लिया गया है, मतलब हैक कर लिया गया है। और वो क्यों कैसे कर लिया गया है मैं उसको शॉर्ट में बताता हूं जिससे आने वाले टाइम में आप लोग भी जागरूक रहें। दोस्तों हुआ ये कि सीले टोकन ने जब अपना आईसीओ लॉन्च किया तो उन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था जिसमें नाइक नाम से उनके जो चेयरपर्सन है वो उसमें ऐड थे। और आपको बताऊं कि एक जो हैकर था उसने क्या किया, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया सेम उसी नाम से, मतलब छुपे हुए नाम से, वो नाइक नहीं था, और उसने जो टेलीग्राम ग्रुप में उसने अपने वॉलेट को उसमें टोकन के लिए भेज दिया लोगों को, मतलब अपना वॉलेट भेज दिया इथेरियम लेने के लिए, और लोगों ने ये समझा कि ये ओरिजिनल नाइक साहब हैं और अपने इथेरियम जो है उसके टोकन में जमा कर दिए। और हुआ ये कि लास्ट में पता चलता है कि करीबन 2162 इथेरियम जो है वो हैक कर लिए गए उस नकली नाइक ने कर लिए। और मैं आपको बताऊं ये मेरे साथ भी हो रहा है, आप देखें मेरे जितने भी कमेंट हैं उसमें कुछ लोग फर्जी अर्न विद आरके नाम से अपना चैनल बनाते हैं और चैनल बना के लोगों को मैसेज करते हैं, अपना फोन नंबर मैसेज करते हैं कि आप इस पर आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको हम नई नई कोई आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके बताएंगे, नए नए कोई कुछ तरीके, मतलब कमाने के तरीके बताएंगे, और लोग मेरा चेहरा देखकर और मेरे पर विश्वास करके ये सोचते हैं कि अर्न विद आरके का ही कोई अर्न विद आरके ही इसको मैसेज कर रहा है और उस पर बिलीव कर लेते हैं और उस पर पैसे भेज देते हैं या बिटकॉइन भेज देते हैं, तो वो स्कैम हो जाते हैं। ये पिछले दिनों भी बहुत हुआ था और अभी भी मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ लोग अभी कर रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है। और आपको बताऊं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ध्यान रखिएगा और मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस नंबर पे, वो मेरा नंबर मैनेजर संभालता है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ ये गड़बड़ हो रही है या स्कैम हो रही है। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया आज का, और जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब का बटन दबा लें और घंटी का बटन भी दबा लें जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों अब तक के लिए नमस्कार,
अगली बार फिर मिलेंगे नई ताजा खबरों के साथ। जय हिंद।